उपायुक्त सुशांत गौरव सोमवार को चैनपुर में बनने वाले 50 बेड हॉस्पिटल का स्थल निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान चैनपुर के विभिन्न जगहों में अनुमंडल स्तरीय 50 बेड का अस्पताल निर्माण के लिए स्थल देखा गया। इस दौरान उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि चैनपुर में अनुमंडल स्तरीय अस्पताल का निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही चैनपुर में अनुमंडल स्तरीय अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। अस्पताल का निर्माण ऐसे जगह में किया जाएगा जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि चैनपुर में बनने वाले अस्पताल का टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्थल चयन के बाद तुरंत निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इस दौरान उपायुक्त ने प्रखंड परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रखंड परिसर में बहुत सी संरचनाएं हैं, उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जाए ताकि जनता को अलग अलग तरह की सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान उपायुक्त ने दाल भात योजना का भी निरीक्षण किया। इसकी गुणवत्ता पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुधार करने का निर्देश दिया। अनुमंडल में अनुमंडल स्तरीय एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करने के लिए अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल होना चाहिए, तो इस हेतु विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है और वी आर लुकिंग इनटू ऑप्शन जो कि सबसे सूटेबल हो पब्लिक के दृष्टिकोण से। वी हैव ऑप्शंस जो हम बहुत दूर कर दें लेकिन जनता को बहुत सुविधा हो, ऐसे जगह हो जहाँ की एक्सेसिबिलिटी उनको अच्छा हो और उनको तुरंत सुविधा मिले, उस हिसाब से उस दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं कौन से मोस्ट सूटेबल प्लेस और जहाँ पर जितनी जल्दी हम लोग कंस्ट्रक्शन करा सकें। सारी टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है तो ओनर्स इज ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन कि हम जल्दी लैंड जो है उपलब्ध करा दें, तो आज उसी चीज़ के लिए हम लोग आए हैं। इसके अतिरिक्त जो है प्रखंड भवनों में प्रखंड परिसर में बहुत तरह की जो है संरचनाएं हैं उसकी उपयोगिता को और बढ़ाने के लिए ताकि जनता को अलग अलग तरीके से हम सुविधाएं दे सकें। एक बार मुआयना किया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।